इधर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 वर्षों की उत्कर्ष राजनीतिक यात्रा की गाथा मोदी एट 20 का विमोचन सीएम ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी देखने में कठोर लग सकते हैं, लेकिन वे अंदर से उतने ही संवेदनशील हैं। उन्होंने पीएम मोदी को असाधारण व्यक्तित्व बताया और उनके कामों की जमकर तारीफ। कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अब नर्मदा जी पर बांध बनने थे, कई लोग सामने आए, बांध विरोधी, नर्मदा बचाओ, कदम कदम पर उन्हें बाधा खड़ी करने की कोशिश की। मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2005 के अंत में मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और हमने संकल्प लिया कि ये पानी अगर नहीं रोका, आज मैं कहना चाहता हूं इंदौर में बैठे मेरे बहन और भाइयों से, अगर ये इंदिरा सागर ना होता, अगर सरदार सरोवर ना होता, अगर ओंकारेश्वर ना होता, तो हम नर्मदा जी के पानी को छिपरा जी में कैसे ले जाते, गंभीर जी में कैसे लाते, पूरे निमार और मालवा को सुजलाम सुफलाम हम कैसे बनाते, और गुजरात भी बदल गया। यह दृढ़ संकल्प था मोदी जी का।